बताओ कि आज हम बात करने जा रहे हैं जहां बीमा कंपनी द्वारा भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाकर लाखों रुपए का घपला कर बीमा कंपनी ही बंद कर दी गई। इसका खामियाजा सोरई गांव के बीमा कंपनी के एजेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। इसका आरोप है कि बीएनपी ग्रुप कंपनी द्वारा लाखों रुपए का घोटाला किया गया है। सागर जिले की एक कंपनी द्वारा लोगों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एसआर वर्मा फील्ड ऑफिसर द्वारा लोगों के बीएनपी ग्रुप ऑफ कंपनी में खाते खोले गए थे, जिसके बाद जब कंपनी द्वारा पैसे वापस देने का समय आया तो कंपनी ने सारी ब्रांच बंद कर दी। कंपनी बंद होने के बाद लोगों को काफी नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई के लिए कई जगह लोग भटकने पर मजबूर हो गए, लेकिन अभी तक इसका कोई भी निराकरण नहीं निकल पाया है। यहां तक कि जिला कलेक्टर को भी आवेदन फरियादियों द्वारा दे दिया गया था, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिलहाल फरियादियों का कहना है कि जल्द से जल्द कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर पैसे वापस दिलाए जाए। हम राजेश लोधी। क्या दिक्कत है आपके साथ? ये बता, जो बीएनपी में पॉलिसी ली थी और हमारी भी, और चार साथ में गांव के दो चार जनों की और साथ में ली थी, हमने दिलवाई। कब ली थी? 2012 के लगभग। तो उनका पैसा वो हमसे मांगने आते है घर पर, तो हम कह रहे थे आपस ही नहीं तो हम कहाँ से पैसे दे। ऑफिस कब बंद हुआ? ऑफिस हो गया 16 के लगभग, 2016 में। तो इसके आपने शिकायत नहीं की कहीं? शिकायत नहीं की, लेकिन जो हमसे मांगते हम कहाँ करें शिकायत, जब उनका कोई पता ही नहीं मिल रहा हमारे लिए। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? पैसा मिल जाए जैसे बने, सबका हम वापस कर सकें। मुकेश कुमार जी, क्या दिक्कत है आपको? हमारी 500 पॉलिसी करवाई थी वीएनएस कंपनी में, 2016 से वो बंद पड़ी है। अब वो गांव के ही मेंबर हैं, उनको हम क्या सकें। मेरा तो ये कहना है कि सरकार उनको पैसा दे, वो हमको वापस करे। और क्या, कंपनी का जो मेंबर था मैं, वो भी लापता है। अच्छा। मालूम नहीं है कहाँ पर गया। अब गांव के आदमियों को परेशान करें तो कैसे करें। हम तो सरकार से यही करना चाहते हैं कि हमारी पैसे वापस हो जाए। क्या नाम है आपका? क्या मामला, क्या हुआ है आपके साथ? बीएनपी कंपनी में पॉलिसी ली थी 2010 में, जिसका बोला था कंपनी के एजेंटों ने कि 2016 में आपको ब्याज सहित मिलेगी। 15 तक हम लोगों ने जमा की, और 15 के बाद जो सागर में ऑफिस था वह ऑफिस बंद हो गया। इसके बाद हम लोगों ने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया, एसपी साहब को आवेदन दिया, मंत्री जी के पास भी गए। दर दर भटकने के बाद कुछ भी निराकरण नहीं हुआ। हम लोगों का पैसा उसमें, सभी लोगों का फंसा है। कितना पैसा फंसा है? करीब 5-5, 6-6 हज़ार रुपये सभी लोगों के फंसे हैं। करीब 20 लोग हैं गांव से जी। और एसआर वर्मा करके नाम था छतरपुर निवासी का, उसी के माध्यम से कंपनी तक पहुँचे थे ऑफिस तक। ऑफिस में हम लोगों ने सभी ने, किसी ने 200 रुपये मंथ की, किसी ने 400 रुपये मंथली, इस प्रकार की पॉलिसियाँ ली थी, और काम धाम मजदूरी करके उन पॉलिसियों को चला रही थी। अब जब से ऑफिस बंद है तो उम्मीद शासन पर थी, तो शासन भी 3 वर्ष से कुछ नहीं कर रहा है। आवेदन देने के बाद भी कोई निराकरण नहीं, निराकरण नहीं हुआ है। तो आप क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि जो राशि हम लोगों ने जमा की है वह राशि हम लोगों को वापस मिल जाए। यही शासन से निवेदन कर रहे हैं बार बार।